हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी चर्चा विद दिव्या में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको दूंगी बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। तो वो अपडेट क्या है ये जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। तो आते हैं आज की सबसे पहली अपडेट पर। तो वो अपडेट ये है कि मनी हाइट सीजन 5 की रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है। इस सीरीज का सीजन 5 आपको दो पार्ट में देखने को मिलेगा। इसका जो पहला पार्ट है वो आपको 3 सितंबर को देखने को मिलेगा, और जो दूसरा पार्ट है वो 3 दिसंबर को देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात कि ये इंग्लिश के साथ साथ उसी दिन हिंदी, तेलुगु और तमिल में भी देखने को मिल जाएगी। तो आप मनी हाइट्स के सीजन 5 का कितना वेट कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आती हूँ आज की दूसरी अपडेट पर। तो जो दूसरी अपडेट है वो है सलमान और आयुष शर्मा की मूवी अंतिम के बारे में। दोस्तों, ये मूवी सितंबर में ही सिनेमाघरों में आनी थी, लेकिन राधे की सफलता को देखते हुए सलमान खान ने इसे PPV पर रिलीज करने का फैसला किया है। और अगर देखा जाए तो उनका ये फैसला सही भी है, क्योंकि जिस तरीके से थिएटर बंद है तो ना जाने कब ये खुलेंगे, जाने कितनी ऑक्यूपेंसी के साथ खुलेंगे। तो भला कोई अपनी मूवी को कब तक रोकेगा? तो इस बारे में आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर बात सलमान खान की हो रही है तो उनको लेकर एक और अपडेट सामने आई है, और खबर ये है कि सलमान खान को यशराज बर्डन ने धूम 4 के लिए अप्रोच किया है। वैसे धूम 4 को लेकर काफी खबरें आई है, कभी SRK को लेकर, कभी अक्षय कुमार को लेकर, लेकिन हर बार ये कभी न कभी किसी न किसी तरीके से दब जाती है। अब देखिए आगे क्या होता है। वैसे सलमान खान को धूम 4 में देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है धूम 4 में कौन बेस्ट होगा। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इंतजार करूंगी। दोस्तों, आज की जो अगली अपडेट है वो साउथ इंडस्ट्री से है, और खबर ये है कि इसी साल रिलीज हुई मलयालम मूवी द प्रीस्ट की डबिंग कंप्लीट हो चुकी है, जो कि एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी थी, और जल्द ही आपको ये मूवी TV या फिर OTT पर देखने को मिल जाएगी। और इसकी जो डबिंग है उसे करवा रहे हैं जी वाले, तो हो सकता है ये आपको जी सिनेमा पे देखने को मिल जाए। वैसे दुख की बात तो ये है कि कुछ पैसों के खातिर कुछ लोग साउथ की फिल्मों को अनऑफिशियल डब कर रहे हैं, और उनकी लिस्ट में द प्रीस्ट भी आती है, इसका भी डब ये लोग कर चुके हैं, और इसे फैन डब कहा जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी फैन अपने फेवरेट स्टार को इस तरह की फालतू वॉइस में देखना पसंद करे। तो मैं आप लोगों से बस इतना कहूंगी कि आप इस तरह की फैन डब मूवी से दूर रहें। तो आते हैं अपनी आज की अगली अपडेट पर। तो खबर ये है कि कंगना रनौत की मूवी थलाइवी को इसके मेकर डायरेक्ट OTT पर रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं, और ये जो डील है वो अमेजन प्राइम के साथ चल रही है। और अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो राधे के बाद ये दूसरी मूवी होगी इस साल की सबसे बड़ी जो डायरेक्ट OTT पर आएगी। अब देखना ये है कि ये न्यूज कितनी सच होती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कंगना रनौत को चौथी बार नेशनल अवार्ड इसी मूवी के कारण मिलेगा। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। मुझे तो पर्सनली इसका ट्रेलर काफी अच्छा लगा था। आप लोगों को इसका ट्रेलर कैसा लगा, और क्या इसका OTT पर आना सही होगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, यही थी कुछ अपडेट जो मुझे आपको देनी थी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें।